वो मूल साधन है जो मानव का विकास करती है
और जड़ता मनुष्य में प्राप्त सकता ज्ञान कौशल और कला में वृद्धि करती है और व्यवहार में परिवर्तन करती है ना, जिसके कारण मानव क्या बनता है, सभ्य सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बन जाता है। वास्तव में शिक्षा क्या है, सीखना और सिखाना जो कि धर्म से कट्टर चलने वाली प्रक्रिया है। खत्म, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात करते हैं अर्थ की। अर्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी हेडिंग है, कैसे याद रखेंगे ना, बहुत दिक्कत होती है। चलो क्या है कि सीधी सीधी क्या लिखेंगे, जैसे पहले से लिखा है स्कूल में अर्थ क्या है, ऊपर शिक्षा के भी बहुत सारे घटक हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कि शिक्षा के भी विभिन्न होते हैं, है ना, देखो कि शिक्षा के विभिन्न होते हैं ना। ऐसे बनाना है, बिना कुछ नहीं है।
अब नाम याद करेगा अंग्रेजी, अंग्रेजी की बात करते हैं, सबको बताया एजुकेशन। इंग्लिश में इसका अर्थ है क्या है, एजुकेशन है बच्चिया, एजुकेशन। फिर बुक दोनों क्या करेंगे, एडवोकेट अप कर देंगे उन्होंने, एजुकेट अप कर दिया है ना, ये अंग्रेजी जो है इसका एजुकेशन है, उसको हम एडवोकेट अप कहते हैं। और एडवोकेट अप कोई तोड़ कर क्या करते हैं, ई रूल को। अब देखो कोई हंसने वाले, थोड़ी हंसी वाली बात है ताकि बस दादाजी वाली बात हो चलेगी। ई डुगो का मतलब क्या है, ई डुगो का मतलब है भीतर और बाहर, ठीक है, अंदर और बाहर, हां भीतर और बाहर। अब भैया कैसे याद रहेगा, ई डुगो का मतलब भीतर और बाहर है, सबसे बड़ी बात तो ये ना, सबसे खतरनाक बात तो यही है, वहां कैसे याद रहेगा। देखो उतार को समझो, इसको संस्कृत में क्या, इसको एजुकेशन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं एडुकेट अप कहते हैं, और जिसको हम ई डुगो भी कहते हैं, वहां जिसका अर्थ है हिंदी में भीतर और बाहर, यानी अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना, बढ़ा जिसका शिक्षा जिसका क्या शिक्षा दे रहा है, जो शिक्षित फिर बस क्या है, मानव का विकास कर दिया और शिक्षित बनता है, मानव शिक्षित बनता है और उसके बस विकास होता है, मतलब सारी पॉजिटिव चीज बढ़ो कुछ नहीं है ना। हो गया शाब्दिकर्थ, शाब्दिकर्थ में तीन लाइन का जिक्र करा, संस्कृत अंग्रेजी ओल्ड लैटिन का। संस्कृत में मैंने बताया कि शिक्षा धातु है, जिसका अर्थ सीखना और सिखाना, तब की बात हुई तो मैं सीख और सीख का मतलब है बहुत ज्यादा उम्र से रहा, ज्यादा ज्ञान आ गया है और सीखना जिसका अर्थ, और शिक्षा को हम कभी कभी क्या कहते हैं, विद्या भी कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी की बात करें तो एजुकेशन है, एजुकेशन को एडुकेटर कहते हैं, एजुकेटर को ईडो को कहते हैं, जिसका अर्थ भीतर और बाहर, तो अगर पेंच करेंगे तो एक ही बात आएगी, उसको मारेगा मुक्का, यानी कि मुक्का यानी कि तो आंतरिक शक्ति बाहर निकालना है ना, चालू कैसे का। लेकिन शब्द क्या है, एडुकेटर है, एडुकेटर के शिक्षक है, यानी कि मानव को विकास करना है, इससे सारी पॉजिटिव चीज यहाँ पर बढ़ो शिक्षा के बाद थोड़ी बहुत बाकी का नंबर लिखा है उतार के जी बोला दार्शनिक। अब क्या है दृष्टिकोण, शिक्षा है आंतरिक उद्देश्य है, प्राप्ति का साधन आंतरिक उद्देश्य है, मत अलग अलग। चलो अब दार्शनिक की बात करते हैं, दार्शनिक देखो अगर मैं बात करूं कि सबने पढ़ा होगा कि यार एक दार्शनिक का बहुत फेमस है, किसी को याद है दार्शनिक बात करो कौन क्या दिमाग में आता है दार्शनिक हमको सीख लेंगे कोई दिक्कत नहीं।
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क
शरीर की बात करेगा तो इसे क्या कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क क्या है, शिक्षा है, बस इतना कहा है। तो इन्होंने कुछ भी दिखा, उसने ज्यादा पढ़ लिया, उसने लोगों को बेटा मतलब लोगों को बेटा बाकी लोगों को अच्छा कह दिया, उसे छुटवा पाना मुक्ति कह दिया, लोग इसको क्या कह रहे हैं शिक्षा क्या है मुक्ति बता रहे हैं, भैया शिक्षा देगा कौन मुक्त हो रहा है नौकरी के लिए है ना। स्वामी ने कहा भाई ऊपर बैठ दो पूरा बैठ दो उठो ना इतना कर्म करो कि पूरा बैठ दो, अरे क्या कहा है कि बायोलॉजी का है तो क्या कह रहे हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क है, बस दार्शनिक की बात हो गया ना। दार्शनिक क्या है, दार्शनिक के दृष्टिकोण से शिक्षा क्या है, मानव के आंतरिक उद्देश्य की प्राप्ति का साधन है और जिसके लिए उनका मत अलग अलग है, जिसमें शंकराचार्य स्वामी विवेकानंद और अरस्तु की बात करनी है। तो शंकराचार्य ने कहा है कि लौकिक समाज बेकार है, पारंपरिक अच्छा है, अगर लौकिक का छुटकारा पाना है तो उसे मुक्ति को ही शिक्षा कहते हैं, जिसका हम यहाँ पे बोलेंगे श्लोक देंगे सारा विद्या मुक्ति, यानी कि शिक्षा क्या है मुक्ति का साधन है। स्वामी विवेकानंद क्या है कष्ट देना, यानी कि अपने आंतरिक को तत्पर करो भी दिखा दो आप अच्छा करके, और अरस्तु को क्या कहा है स्वस्थ शरीर है स्वस्थ मस्तिष्क। संस्कार खुद से नहीं आते कभी भी, कहते हैं ना अभी तेरे जवाब संस्कार नहीं सिखाएगा, एक गंदे काम करोगा संस्कार नहीं है तेरे घर में सिखाते हो, ये तो क्या संस्कार जो अपने आप से आते हैं हमारे घर से या हमारे टीचर से है ना। तो संस्कार क्या है जो कि गुरुदेव ने प्रदान करे हैं, गुरुदेव ने कहा संस्कार संस्कार से क्या आता है हमें ज्ञान आता है, सही क्या है गलत क्या है हमें पता चल जाता है क्या है, और जैसे हम क्या कहते हैं शिक्षा कह देते हैं ठीक है कि गुरुदेव मतलब संस्कार संस्कृति का क्या है, सभी संस्कृति के शिक्षा क्या है, सभी संस्कृति का मेलदंड है, और मतलब क्या आता है इससे संस्कार आते हैं, पर संस्कार में कौन लेता है गुरुदेव से प्रदान होते हैं जिसे हम ज्ञान कहते हैं, और ज्ञान जो कि क्या है शिक्षा का रूप है ठीक है। अब क्या है संस्कार और व्यवहार के योग को क्या कहते हैं चरित्र, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर बात करो तो वहां पे हमारे संस्कार और व्यवहार बहुत अलग अलग बात है संस्कार और व्यवहार के ठीक है। संस्कार और व्यवहार के योग को क्या कहते हैं चरित्र कहते हैं है ना, याद रखना है। और चरित्र और मानसिक विकास को ही शिक्षा कहा जाता है ठीक है, याद रहेगा। प्रत्येक संस्कृत शिक्षा क्या है, प्रत्येक संस्कृत का मेलबंड है जिससे संस्कार आते हैं, और गुरुदेव क्या है संस्कार देते हैं इससे हमें ज्ञान आता है, ज्ञान को ही शिक्षा का रूप कहते हैं, संस्कार और व्यवहार के योग को चरित्र कहते हैं, चरित्र और मानसिक विकास को ही शिक्षा कहा जाता है। परिवर्तन लिखना है और कुछ नहीं है संस्कृत के पास, बाकी एक वो है इसमें वो होता है उसका जिक्र करते हैं और अब जिक्र करना बहुत जरूरी है, उससे समाजीकरण तो थोड़ा टिपिकल है कुछ पता है कैसे हुआ कैसे करना मतलब कुछ नहीं पता उस टाइम है ना, बहुत दिक्कत हुई। तो इसके क्या कहा है इसके समाजीकरण में कहा कि व्यक्ति के जन्म और मृत्यु की अनिवार्य समस्या, यानी जो जन्म और मृत्यु की जो है ना अनिवार्य समस्या बन जाती है इसमें, हम मतलब जो मानव का जीना और मरना है ना वो एक समस्या ही है इसने समाजीकरण कि मनुष्य की जन्म और मृत्यु की अनिवार्य समस्या बता जा। अब जो शुरू में आया है ना कोई बच्चा कैसे पैदा हुआ किसी को नहीं पता, बहुत ठीक है वो और मर भी गई होगी बच्चा ही मर गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे सीखा हमने है ना क्या कैसे करना है मतलब कैसे होना चाहिए। तो ये जीव जन्म और मृत्यु का अब क्या अमर ये तो जन्म की बात अमर की बात क्या है, कोई बंधन का मतलब आदि मानव जाके समझो कुछ खा लिया उठा के अमर गया, अब जो उसके साथ जा रहा है क्या हुआ है उसको पता नहीं चला भाई, पहली बार तो बंदा मरा होगा और सब दोस्त होगा सब अरे कैसे मर गया, तो ये कैसे समस्या हुई ना मरने की, फिर तो ज्ञान आया कि यार नई चीज नहीं खानी इससे क्या होता है मर जाते हैं,
जनपद मंदिर की समस्या है जिससे उन्होंने सीखा है और उससे उन्हें क्या है अनुभव आया, अनुभव आया और जो कि अनुभव क्या है वो अपने आप आया ताकि किसी के सिखाने से आया। तो समाज जगत में लिखा कि व्यक्ति के तो सामाजिक में क्या होता है व्यक्ति के जन्म और मृत्यु की अनिवार्य समस्या नहीं, प्रत्येक सामाजिक समूह को अतीत से शिक्षा की आवश्यकता अनुभव के लिए बाध्य किया, मतलब सोचने के लिए बाध्य कर दिया, जन्म और मृत्यु में समस्या थी ना मानव को सोचने के लिए बाध्य कर दिया है ना। और क्या है कि शिक्षा वास्तव में बाहर से लाती नहीं जाती, शिक्षा बाहर से नहीं लाती जाती, वो अपने आप आती है जब उसे अनुभव होगा। जैसे जैसे आत्म अनुभव होगा तो अपने गायबा परीक्षा में फेल हो रहा है, किसी का नहीं जा रही गलती करती, वहां मुझे जल्दी क्वेश्चन करने देता, क्या है अपने आप आती है शिक्षा का कोई मतलब बाहर से लाती नहीं जाती, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात कही है, फिर क्या है जिससे अनुभव से क्या होता है उसे सही और गलत का पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब इसमें हमें वो करना है मतलब देना, डीवी मोदी ने कहा, डीवी मोदी ने कहा कि समाज के निरंतरता समाज में निरंतरता को बनाए रखना है, मतलब समाज चलता रहे आदमी आते रहे जाते रहे, मतलब इस चीज को ये रुकनी नहीं चाहिए और उसको निरंतर बनाए रखना है, तो शिक्षा बहुत जरूरी है ना। ये आप देखिए वो इससे पता चलता है कि समाज में निरंतरता को बनाए रखना है तो शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमने कहा है डीवी मोदी ने कहा, ठीक है। वो जन्म और मृत्यु की जो समस्या है उसको सीखे उससे अनुभव आया, ठीक है, मतलब अपने आप ऐसे समझो बड़ी हाँ मतलब लैंग्वेज की शिक्षा मतलब बाध्य कर दिया मानव को सोचने समझने के लिए, ठीक है ना। वास्तव में अपनी बात करते हैं, मतलब असल में शिक्षा है क्या, वास्तव में है क्या शिक्षा। अब देखो बुद्ध गौतम देखते होंगे सबने, है ना, बुद्ध गौतम की फोटो देखते होंगे, वो कह सकते छह चक्र था, तो उस तरह का मतलब क्या है कि वो चक्र तब बनाया जब जब मानव को पूरा ज्ञान होना हर चीज का, तो वो ज्ञान ही है पूरा, मतलब जब लाइट ऑफ पैशन होगा, हां तो वही है कि मतलब जब मनुष्य को पूरे ज्ञान होगा तो उसके चक्र बन जाएगा हमारे लिए है, क्योंकि हमें ज्ञान है पूरे सारे चक्र, तो जिस दिन हमें ज्ञान हो गया तो हमारे लिए चक्र सही बन जाएगा, कैसे तो वो ज्ञान है वो एक ऐसा बंदा है जब पूरा ज्ञान हो चुका है, वास्तव में क्या है कि जिसके पीछे चलते हैं ना तो सब पूरा ज्ञान हो चुका है। तो शिक्षा क्या है इसमें क्या क्या वास्तव में कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ यही है कि वह ज्ञान के प्रकाश में व्यक्ति को शुभ और अशुभ और भले बुरे की पहचान कराकर उसमें आत्मविश्वास की प्रेरणा प्रदान करता है, ठीक है ना। तो शिक्षा क्या है ऐसा ज्ञान है जो व्यक्ति को शुभ और अशुभ की पहचान कराकर उसमें जब हमें शुभ और अशुभ का पता चलाएगा गलत क्या सही क्या है तो क्या हुआ एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा बॉडी में ना। तो जब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा तो क्या करेगा हमारे शारीरिक वैचारिक और मानसिक लेवल को भी बढ़ाएगा, है ना। कहते हैं कि यार इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस, भले तुम्हें कुछ ना हो लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा ऐसे दिखा दो बढ़िया। तो क्या होगा जब गलत और सही का पता चल जाएगा तो आत्मविश्वास आएगा और बॉडी लैंग्वेज भी हमारी अच्छी हो जाएगी और वैचार से भी अच्छा हो जाएगा और मानसिक स्थिति भी हमारी सही हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज क्या करती है आत्मविश्वास शारीरिक और वैचारिक और मानसिक में वृद्धि करती है ना, इसका विकास करती है, ठीक है। ऐसा लिखना है पिछले बार भी लिखा कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ यही है कि वह ज्ञान के प्रकाश से व्यक्ति को शुभ और अशुभ या भले बुरे की पहचान कराकर उसमें आत्मविश्वास एवं आत्मविकास की प्रेरणा प्रदान करे। आत्मविश्वास के द्वारा ही शारीरिक वैचारिक और मानसिक स्तर पर व्यक्ति का विकास होता है ना, ठीक है। अब एक सबसे बढ़िया है दिव्य इस हैडी का नाम तो दिव्य अर्थ है लेकिन मुझे इसमें समझ नहीं आया कि इसे दिव्य अर्थ कहा नहीं है। एजुकेशन हम लिखते कैसे हमेशा हमारी लिखने के लिए इसके क्या है ऐसे है ना लेफ्ट टू राइट है
नाम हमेशा ऐसे लिखते हैं, लिखते क्या लिखते हैं एजुकेशन को, इसने ऐसे लिखा भैया, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, इसलिए तो हमारे ये क्या है एजुकेशन को इसने ऐसे लिखा, इसलिए हमारे लिए है क्या है दिव्य अर्थ है। अब क्यों भैया नौ लाइन भर दिया अपने कॉपी में, कितनी अच्छी बात है, नौ लाइन कवर कर दिया अपने, तो हमारा तो दिव्य अर्थ हुआ, हमारा तो पेज भर रहा है, तो बस ऐसे लिखना है एजुकेशन, आपने मतलब इसके लिखना कि शिष्टाचार है, डिसिप्लिन है ना, विश्व बंधुत्व है, सर्वनात्मक है, ऐसे इसके लिए आप हिंदी में लिखना, तो फिर क्या है कि शिक्षा मतलब शिक्षा क्या है, हिंदी सबका मेन है, बस हो गए इसमें दिव्य अर्थ है ना, नो लाइन भर दिया मजा आ गया, और अपन ना गौर करते हैं पेज बढ़ने के नंबर वन संकुचित अर्थ कौन सा है, संकुचित अर्थ, संकुचित अर्थ क्या है, किताब बिगड़ा, किताब बिगड़ा क्या नहीं है, तो किताब बिगड़ा है समझने का, इसे तो बस ये है बस, किताब का दुनिया है तब क्लास के टॉपर बन जाएंगे, तो अच्छे बनेंगे, कोई वैसे मान लो कोई तो जो टॉपर बनेगा वो सारा किताब बिगड़ा, ठीक है। संकुचित अर्थ, संकुचित अर्थ क्या है, किताब बिगड़ा मतलब इसमें विद्यालय में जो पढ़ाने वाली शिक्षा है ना उसको संकुचित अर्थ कहा गया, हमारे शिक्षा विभाग हमने क्या कह ये सारी चीजें वगैरह शिक्षा विभाग वही कह रहे हैं, तो शिक्षा विभाग क्या कहा कि विद्यालय पढ़ाने वाली जो शिक्षा है वो सिर्फ संकुचित है, उससे क्या होगा कि मानव को व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा, व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल मानव बराबर है, ठीक है, और सीमित ज्ञान की प्राप्ति करता है कोई संकुचित ज्ञान, ठीक है, इसमें लिखा है और कुछ लिखा है, बाकी मेकेंज और मिलेगी यहाँ पर डेफिनेशन देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं, तो संकुचित ज्ञान वही है जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, व्यवहारिक ज्ञान को उसे बता सकता है, व्यापक अर्थ क्या है शिक्षा, मतलब शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, विकास करना है, इस मानव का विकास करना है, शिक्षा का व्यापक अर्थ मानव का विकास करना है, ठीक है। अब इसमें हम दो उदाहरण देंगे, एक तो डिंपल का उदाहरण देंगे, एक रोज का उदाहरण देंगे, डिंपल क्या है, देखो व्यापक अर्थ की बात हो रही है यानी कि बहुत बड़ी चीज की बात हो रही है, व्यापक मतलब बहुत बड़ा कुछ भी है ना, तो बहुत बड़ी चीज की बात हो रही है, डिंपल क्या है, जो लड़के होते हैं ना लड़के क्या करते हैं, आपको मेरे लग जाए फिर जी डिंपल उठाऊंगा, मतलब जब मैं नौकरी पा लूंगा सारी चीज कर लूंगा मेरे पास पैसे आ जाएंगे, हर चीज का मेरे पास अनुभव हो जाएगा, जब हमारे पास सारी चीज का अनुभव हो जाता है तो हम क्या करते हैं जिम पर जाते हैं, डबल खाते हैं, बॉडी मांग रहा है, और काम करूंगा तो इसलिए यहाँ पर क्या है सारा कुछ अगर हमारे पास डिम्बल ध्यान उठाना है, डम्बल उठाना है, डम्बल का ध्यान देना है ना, डम्बल लगा कि सारे जब अनुभव आ जाते हैं तो वो जन्म मृत्यु का सब कोई शिक्षा जन्म मृत्यु चलने वाली होती क्या है, ठीक है ना, डिम्बल ने एक है और लोज ने कहा क्या है लोज, अब देखो बहुत बड़ी चीज की बात हो रही है व्यापक अर्थ की, यानी कि बहुत बड़ा लोज कहने से कहते हैं उतना बहुत बड़ा लोज खरीदा आया, बहुत बड़ा लोज खरीदता, ठीक है, लोज है व्यापक अर्थ में देना क्या था, ठीक है ना, लोज भी बहुत बड़ी बात होगी, डंबल को उठाते हैं सारी चीज का हो जाएगा, जिम में जब जाएंगे वैसे पहुंच जाना, माँ बाप आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे देना ठीक है, तो शिक्षा क्या है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, मानव का विकास करना, फिर डिंबल के बारे में बताएंगे और फिर लोज के बारे में बताएंगे, लोज में क्या क्या है, व्यापक अर्थों में अनुभवी शिक्षा है, अनुभव को ही लोज में शिक्षा बता रहे हैं, अनुभव को ही शिक्षा बता रहे हैं, व्यापक अर्थ में अनुभवी शिक्षा है लोज में, शिक्षा एक प्रक्रिया है, इसमें क्या लिखना है, शिक्षा एक प्रक्रिया में क्या लिखना है, इसमें कहा कि शिक्षा, शिक्षा शब्द किसी भी प्रकार से अर्थ नहीं देता है, मतलब यार अगर हम इतने सारे अर्थ पढ़ जाए सब बेकार होंगे, प्रक्रिया में सब बेकार होते हैं, हमारी इतनी सारी मेहनत सारी बेकार कर दी, कितनी आर्ट है, तुमने कहा कि शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है, मतलब शिक्षा बहुत सारे अर्थ देता है, एक अर्थ नहीं है, सारी सारी मेहनत भी कर देती है प्रक्रिया ने हमारी, फिर शिक्षा बहुत सारे अर्थ देता है, प्रक्रिया में क्या है, प्रक्रिया में दो बंदों का जिक्र करना है, एडमस का और एक रोज का, है ना, एडमस का और रोज का जिक्र करना है, अब इसमें क्या कहना है कि एडमस मान लो ये क्या है, ये लड़की है लड़का है, ये बंदा है लड़का है, इसका बॉयफ्रेंड है लड़का है, ठीक है, एडमस क्या है, एडमस ने क्या कहा है, एडमस ने शिक्षा को दोमुखी कह दिया, है ना, एडमस ने शिक्षा ये गर्ल्स है, शिक्षा को दोमुखी कह दिया, अब बंदा एक बार शिक्षा दो मुखी है, तो कैसे जैसे चुंबक के दो होते हैं पोल होते हैं ध्रुव होते हैं नॉर्थ साउथ, ऐसे मेरे शिक्षा को द्विमुखी कहा है, उसमें क्या द्विमुखी में आता है, शिक्षा बोलता हमें मतलब छात्र होता है, ये बता सकते द्विमुखी में, अब डी अब डी मोदी है तो थोड़ी ढंग की बात करेंगे, है ना, मोदी की जगह थोड़ा रिस्पेक्ट देंगे हम, है तो ढंग की बात करेंगे उनसे, तो तेरी मुखी कहा भाई, नहीं तो मुखी कुछ नहीं है, सब्जेक्ट को हमारी बहुत जरूरी है, पाठ्यक्रम होना भी बहुत जरूरी है भाई, शिक्षक है फिर पाठ्यक्रम है, और जरूर भाई क्या स्पीकर और लर्नर भाई बात किस पे कर रहे हैं वो तो होना चाहिए ना, तो जिस जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं वही सब्जेक्ट है ना, तो पाठ्यक्रम होना बहुत जरूरी है, मोदी ने बताया मोदी है थोड़ा दिमाग
शिक्षा शब्द किसी भी प्रकार से अर्थ नहीं देता, इसी कारण एडमस तथा रोज शिक्षा को एक प्रक्रिया मानते हैं। एडमस ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा, है ना, कहा। रोज मोंते ने भी एडमस का समर्थन करते हुए शिक्षा को इसी प्रकार स्पष्ट किया है। चुंबक की तरह शिक्षा भी दो ध्रुव होने चाहिए, अतः यह द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा की इस प्रक्रिया में केवल शिक्षक तथा छात्र दोनों ही स्थान दिया गया है, जबकि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का श्रेय डीवी मोहते डीवी मोहते को कहा जाता है। डीवी मोहते ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है, अतः शिक्षा के त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षा का छात्र के साथ पाठ्यक्रम भी होना आवश्यक है। ठीक है, तो इसका चलिए आगे समझ में आगे का समझ गतिशील में क्या है कि शिक्षा सतह गतिशील रहती है और समाज में परिवर्तन करती है। चलो अब शिक्षा की परिभाषा शिक्षा की परिभाषा को हम बोल देंगे शिक्षा के देंगे या शिक्षा शास्त्र देंगे, है ना। तो शिक्षा के ऊपर शिक्षा शास्त्र के अनुसार क्या है, जीवन के दर्शन विचार और चिंतन के आधार पर उन्होंने क्या कहा है, परिभाषा दी है। शिक्षा वेद और शिक्षा शास्त्र ने शिक्षा के जीवन दर्शन और विचार के वो चिंतन के आधार पर सब परिभाषाएं दी है। अब एक दर्शन विचार और चिंतन क्या भाई, उन्होंने जो देखा सोचा फिर समझा उसी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा दी है ना। तो दर्शन विचार जो उन्होंने देखा सोचा समझा उसके अनुसार की परिभाषा दे दी है, शिक्षा की परिभाषा। बाकी इसमें दार्शनिक के अनुसार उनको, है ना, दार्शनिक के दृष्टि से तो ये उसे प्रकाश चाहिए, तो ऐसे विचार को प्रकाश में लाना जो हमारे मस्तिष्क में नहीं, तो यही क्या है, शिक्षा है। ये इसकी परिभाषा है, इतनी से बात करेंगे। ठीक है, विवेकानंद मैंने बताया कि बैठ लेना, अपने अंतर्निहित जो भी है उसको प्रकट करना, अपने अंतर्निहित शक्तियों को प्रकट करना ही शिक्षा है, यानी अपना कष्ट देना ही शिक्षा है। ठीक है ना, टैगोर ने कहा है, देखो टैगोर जब किसी चीज को गौर से देखोगे ना तो पहचान लोगे सही है गलत है। तो जब किसी चीज को हम गौर से देखेंगे तो हमें बाबा सत्य की खोज हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा सत्य क्या है सही क्या है। टैगोर भाई गौर से देख रहा है चीज को, तो क्या सत्य की खोज करना ही शिक्षा है। ठीक है, आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी ने कहा क्या है कि अगर तुम्हारी मन या आत्मा जो भी बढ़िया है ना उसकी उसको प्रकट करना, अगर मन बढ़िया है तो मन को प्रकट कर दो, आत्मा बढ़िया है तो आत्मा को प्रकट कर दो, ये शिक्षा है। गांधी जी ने किसी बात की है, गांधी ने क्या कहा है, अपनी क्षमताओं पर 100% देना यही शिक्षा है। इतने से बात करिए तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, बात करते बड़ा बड़ा बात था तो मैं बढ़ना आ गया बस नहीं।